चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन से बेसन मसाला सब्जी, जो कि आप एक बार इस सब्जी को खा लिया तो आप पनीर की सब्जी खाना भूल जाएंगे। और इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है सब्जी और बनाना भी आसान है। जैसे टेस्टी इतनी लगती है उस तरह से बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। मैं इतनी सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी आप लोगों की, इसको सब्जी को हर कोई बना सकता है। और मेरे चैनल, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्योंकि आपको मेरी सब्जियां कैसी लगती हैं। अगर कमी, जो भी कमी लगती है आप लोगों को मेरी रेसिपी में, तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने एक कटोरी बेसन को ले लिया है, इस तरह से देखिए, एक कटोरी बेसन को लिया है और कुछ सामान को लिया है, वो मैं आपको जैसे बताती बनाती जाऊंगी उसी तरह से आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक हमने मिक्सिंग बाउल ले लेना है, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी बेसन, सारे मसाले डालेंगे, थोड़े थोड़े से, थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें मसाले में भी डालना है। लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा कलर के लिए डालेंगे जिससे इसका कलर जो है अच्छा सा आएगा, और थोड़ा सा नमक जाएगा, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हम इसे एक घोल सा तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, हमें बटर जैसे चाहिए, जैसे चीला बनाते हैं बेसन का उस तरह से ही हमें ये घोल चाहिए बेसन का, इस तरह से हम घोल लेंगे बेसन को। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बेसन को देख लें, जैसे आपके लोगों की फैमिली हो आप उस हिसाब से बेसन को ले लें। हम इस तरह से डाल लेते जाएंगे और बेसन को इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें गोल चाहिए था। इसके लिए अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम ये इस तरह से ले लेंगे, आपके पास प्लेट है, थाली है, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लगाएंगे घी, देखिए प्लेट में हमने थोड़ा सा चिकना लगा लिया है। देखिए पैन में पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, अब हम इसमें एक कटोरी को रखेंगे, इस तरह से लेंगे एक कटोरी रख देंगे। कटोरी के अंदर हम अपने प्याज को डालेंगे, साथ में हमारी प्याज भी उबलेगी, साथ में प्याज टमाटर को डाल देंगे। लहसुन डालेंगे, थोड़े से हम डालेंगे इसमें बादाम, क्योंकि ये पनीर को भी फेल करेगी सब्जी, तो मेरे पास इस समय काजू नहीं है तो मैं काजू को नहीं डालूंगी। हम डालेंगे इसमें 4-5 करीब बादाम को डाल देंगे, इनके छिलकों को उतार देंगे। देखिए प्लेट को हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, आप बेसन को डाल देते हैं, ये जो बेसन हमने घोल के रखा था इसको हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देते हैं। सेट कर देंगे, पूरा सेट हो चुका है, अब हम इसे ढक देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए, इसे खोल के देख लेते हैं। एक चाकू लेंगे, चाकू की नोक से हम इसको इस तरह से देखेंगे कि हमारा ये बेसन अच्छी तरह से पक चुका है या नहीं। देखिए चाकू बिल्कुल साफ निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा बेसन पक चुका है। बेसन को हम निकाल लेंगे अब एक साइड पे, ठंडा होने के बाद इनके छोटे छोटे पीसों को काट लेंगे, और जो हमने प्याज वगैरह रखी थी इसको मिक्सी में डाल के, मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से लेंगे, उठा लेंगे इसको आराम से, कोई चीज की सहायता से उठा लें। ठंडा होने के बाद हम इनके पीसों को काट लेते हैं, इसको भी निकाल लेंगे। कढ़ाई को चढ़ा देंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड, दो चम्मच के करीब रिफाइंड को डालूंगी, क्योंकि बेसन की सब्जी बना रहे हैं, बेसन की सब्जी में थोड़ा तेल चिकना ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने 2 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच जो रहता है सर्विंग स्पून उससे भर के डाला है।
देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, हमें इसमें डालेंगे एक तेज पत्ते टुकड़ा, काली इलायची और थोड़ा सा दालचीनी के दो टुकड़े डाल, थोड़ा सा जो प्याज का पानी निकला था वो मैंने फेंका नहीं है, उसको हम सब्जी में यूज कर लेंगे। प्याज टमाटर जो उबलने के लिए रखा था वही वाला पानी है, डाल देते। ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें से तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें अपने एक एक करके मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें हम अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है मसालों का दूर हो जाए। इस तरह से इन्हें जब तक पकाएंगे, जब तक इनमें से तेल अलग नहीं हो जाता है, जब तक मसालों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। रखा है ये इस तरह से, देखिए कितने चकोर चकोर से पीस लग रहा है ना, पनीर के पीस हो जैसे। इस तरह से देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी सा बना है। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। जिस तरह से आप ग्रेवी रखना चाहें उस तरह से आप पानी को डाल लें। एक उबाल आने के बाद बेसन के पीस को डाल देंगे। देखना मसाला कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कलर कितना अच्छा आया है, कोई भी नहीं कहेगा ये हमने बेसन की सब्जी बनाई है। देखिए उबाल आ चुका है, अब हम अपने इन पीसों को डाल देते हैं। इस तरह से पकाएंगे, कवर कर देंगे। सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक भी चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रश करेंगे, इससे इसका टेस्ट और दोनों चीजें बढ़ेंगी। मिक्स कर देंगे, ये सब्जी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। निकालेंगे एक इसे बाउल में,